आज मैं आपको मुड्ढे की रेगुलॉन घटाई करके गोल गला कैसे बनाते हैं बताऊंगी। रेगुलॉन घटाई करके वी गला भी बनता है। इसमें मैंने रेगुलॉन घटाई करके वी गला बनाया है। स्वेटर मैं इस स्वेटर की नाप का बना रही हूँ। इसकी लंबाई कमर से कंधे तक 28 इंच है। कमर से मुड्ढे तक 18 इंच है। इसमें इस स्वेटर की लंबाई 18 इंच मुड्ढे तक हो गई है। इसके बॉर्डर में मैंने 121 फंदे डाले हैं। 21 फंदे ऊपर बढ़ाए हैं। कुल मिलाकर 142 फंदे हैं। मुझसे अक्सर कमेंट में सवाल पूछे जाते हैं कि मुड्ढे कब घटाएं। मेरा उत्तर ये रहेगा कि आप जिसके लिए स्वेटर बना रही हैं, इस तरह से इंची टेप से स्वेटर की नाप ले लें, उसके बाद ऊपर मुड्ढे घटाएं। मैं मुड्ढे में 5 फंदे घटाऊंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 5 फंदे घटा दिए हैं। अब बुनाई डालते हुए पूरी सिलाई पूरी करेंगे। सीधी सिलाई पूरी हो गई है। अब दूसरी उल्टी सिलाई बुनेंगे। 5 फंदे घटाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब बुनाई डालते हुए पूरी सिलाई बुनेंगे। तीसरी सिलाई सीधी तरफ 1 फंदा घटाएंगे। अब बुनाई डालते हुए पूरी सिलाई बुनेंगे। चौथी सिलाई उल्टी तरफ 2 फंदे एक साथ उल्टे बुने। 1, 2, 2 फंदे उल्टे बुने। इसी तरह से बुनाई डालते हुए पूरी सिलाई बुनेंगे। अगली सिलाई सीधी तरफ 2 फंदे एक साथ सीधे बुने। ऊन आगे की 1, 2, 3, 4, 5 फंदे उल्टे बुने। इस तरह से एक फंदा सीधी तरफ से इधर तरफ और एक फंदा उल्टी तरफ से इधर तरफ घटाते हुए 10 इंच तक बुनेंगे। इधर उसके बाद तरफ एक एक दिखाएंगे। फंदा घटाते थे, उसी तरह से घटाएंगे। 2 फंदे एक साथ सीधे बुने। ऊन आगे की 1, 26 फंदे और बुनेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, ऊन पीछे की 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, उन पीछे की 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
23, 24, 25, 26। ऊन पीछे की, यहाँ पर 27 फंदे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 26, 27। अब यहाँ पर 30 फंदे एक साथ घटाएंगे, दो फंदे एक साथ बुने, 1, 2, 3, 4 28, 29, 30। तीस फंदे घटा दिए हैं, यहाँ पर 27 फंदे बचे हैं। एक फंदा मिलाकर इधर तरफ 28 फंदे हैं। इधर एक फंदा घटा दिया था, इधर उल्टी सिलाई में एक फंदा घटाएंगे। बुनाई डालते हुए सिलाई पूरी करेंगे। दूसरी सिलाई उल्टी तरफ, मुड्ढे की तरफ से हर एक सिलाई में एक एक फंदा घटाएंगे। दो फंदे एक साथ उल्टे बुने, ऊन पीछे की, बुनाई डालते हुए यहाँ तक बुनेंगे। पहले इधर तरफ बुनेंगे, उसके बाद इधर तरफ बुनेंगे। उल्टी सिलाई पूरी हो गई है। अब सीधी सिलाई में गले की तरफ से तीन फंदे घटाएंगे। एक, दो, तीन। अब बुनाई डालते हुए सिलाई पूरी करेंगे। उल्टी सिलाई में मुड्ढे की तरफ से दो फंदे एक साथ बुने, ऊन पीछे की, बुनाई डालते हुए यहाँ तक बुनेंगे। सीधी सिलाई में पहले तीन फंदे घटाए थे, अब दो फंदे घटाएंगे। दो फंदे एक साथ बुने, दो फंदे एक साथ बुने, पूरी सिलाई सीधी बुनेंगे। मुड्ढे की तरफ से
उल्टी सिलाई में दो फंदे एक साथ बुने, पूरी उल्टी सिलाई बुनेंगे। गले की तरफ से दो फंदे एक साथ बुने, अब एक फंदा घटाएंगे, बुनाई डालते हुए सिलाई पूरी करेंगे। उल्टी सिलाई में मुड्ढे की तरफ से दो फंदे एक साथ उल्टे बुने, ऊन पीछे की दो फंदे सीधे बुने, छह फंदे उल्टे बुने। चार फंदे उल्टे बुने, छह फंदे सीधे बुने। गले की तरफ से दो फंदे एक साथ सीधे बुने, बुनाई डालते हुए सिलाई पूरी करेंगे। मुड्ढे की तरफ से दो फंदे एक साथ उल्टे बुने, ऊन पीछे की एक फंदा सीधा बुना, चार फंदे उल्टे बुने, एक दो तीन चार, ऊन पीछे की छह फंदे सीधे बुने, एक दो तीन चार पाँच छ, ऊन आगे की चार फंदे उल्टे बुने। गले की तरफ से दो फंदे एक साथ उल्टे बुने, दो फंदे सीधे बुने, ऊन आगे की छह फंदे उल्टे बुने, एक दो तीन चार पाँच छ, ऊन पीछे की चार फंदे सीधे बुने, दो तीन चार, ऊन आगे की एक फंदा उल्टा बुना, ऊन पीछे की किनारे का फंदा एक सीधा बुना। मुड्ढे की तरफ से दो फंदे एक साथ उल्टे बुने, एक दो तीन चार फंदे उल्टे बुने, उन पीछे की छह फंदे सीधे बुने, एक दो तीन चार पाँच छ, उन आगे की तीन फंदे उल्टे बुने। गले की तरफ से दो फंदे एक साथ सीधे बुने, एक फंदा सीधा बुना, पूरी सिलाई सीधी बुनेंगे। उल्टी सिलाई में मुड्ढे की तरफ से दो फंदे एक साथ उल्टे बुने, पूरी सिलाई उल्टी बुनेंगे। गले की तरफ से दो फंदे एक साथ
सीधे बुने। चार फंदे उल्टे बुने। ऊन पीछे की, चार फंदे सीधे बुने। ऊन आगे की, एक फंदा उल्टा बुना, किनारे का फंदा एक सीधा बुना। मुड्डे की तरफ से दो फंदे एक साथ उल्टे बुने। दो तीन चार फंदे उल्टे बुने, चार फंदे सीधे बुने। किनारे का फंदा एक उल्टा बुना। दो फंदे एक साथ सीधे बुने। गले की तरफ से छह फंदे एक एक करके घटाए हैं। एक दो तीन चार पाँच छः। नीचे तीन फंदे एक साथ घटाए, उसके बाद दो फंदे घटाए, छह फंदे एक एक करके घटाए हैं। अब गले की तरफ से फंदे नहीं घटाएंगे, सादा बुनेंगे। मुड्ढे की तरफ से बाकी बचे फंदे एक एक करके सब घटा देंगे। ऊन आगे की, तीन फंदे उल्टे बुने, चार फंदे सीधे बुने। किनारे का फंदा एक सीधा बुना। मुड्डे की तरफ से एक एक फंदे घटाएंगे, गले की तरफ से फंदे नहीं घटाएंगे। दो फंदे एक साथ बुने। दो तीन फंदे उल्टे बुने, एक दो तीन फंदे सीधे बुने, किनारे का फंदा एक उल्टा बुना। एक फंदा सीधा बुना, ऊन आगे की, तीन फंदे उल्टे बुने, तीन फंदे सीधे बुने, किनारे का फंदा एक सीधा बुना। मुड्ढे की तरफ से दो फंदे एक साथ उल्टे बुने, एक दो फंदे उल्टे बुने, एक दो तीन फंदे सीधे बुने, किनारे का फंदा एक उल्टा बुना। एक फंदा सीधा बुना, ऊन आगे की, पूरी सीधी सिलाई बुनेंगे। इसी तरह से मुड्ढे की तरफ से पांच फंदे और घटाएंगे। यहां से यहां तक पांच फंदे घटा दिए हैं। अब दो फंदे बचे हैं, इन फंदों को हम सेफ्टी पिन पर उतार लेंगे। यहाँ से यहाँ तक एक एक करके 38 फंदे घटाए हैं। अब हम दूसरी तरफ बुनेंगे।
यहाँ से ऊन जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पर फंदे गले के घटाए थे, यहाँ पर से ऊन जोड़ेंगे। अब इधर तरफ तीन फंदे घटाएंगे जैसे इधर तरफ घटाए थे। एक दो तीन, ऊन पीछे की बुनाई डालते हुए सिलाई पूरी करेंगे। मुड्ढे की तरफ से दो फंदे एक साथ बुने, जैसे इधर तरफ मुड्ढे में फंदे घटाते गए थे उसी तरह से इधर भी मुड्ढे में फंदे घटाएंगे। दो तीन चार, चार फंदे सीधे बुने, छह फंदे उल्टे बुने। एक दो तीन चार पाँच छः, ऊन पीछे की चार फंदे सीधे बुने। ऊन आगे की तीन फंदे उल्टे बुने, ऊन पीछे के किनारे का फंदा एक सीधा बुना। देखिए इधर तरफ गले की घटाई सीधी तरफ से की थी और इधर तरफ गले की घटाई उल्टी तरफ से कर रहे हैं। दो फंदे यहाँ पर, पहले तीन फंदे घटाए अब दो फंदे घटाएंगे। दो फंदे एक साथ बुने, एक दो, ऊन पीछे की बुनाई डालते हुए सिलाई पूरी करेंगे। देखिए जैसे इधर तरफ बुना है वैसे ही इधर बुनेंगे, बुनने के बाद आगे बताएंगे। देखिए इधर तरफ मुड्ढे की लंबाई पूरी हो गई है, यहाँ से एक एक फंदा घटाया है, 38 फंदे घटे हैं एक एक करके। और इधर तरफ गले की घटाई, यहाँ पहले तीन फंदे घटाए हैं, फिर दो फंदे घटाए हैं, फिर 6 बार एक एक फंदा घटाया है दोनों तरफ। अब ऊपर दो फंदे बचे हैं, अब हम गले के फंदे सिलाई पर करेंगे, गला बनाएंगे। पीछे के भाग में मैंने बॉर्डर में 121 फंदे डाले हैं, बॉर्डर के ऊपर 21 फंदे बढ़ाए हैं। और इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक 18 इंच है। अब हम मुड्ढे की घटाई करेंगे,
मुड्ढे की घटाई हम रेगलान तरीके से करेंगे। 5 फंदे शुरू में घटाएंगे, 2, 3, 4 5 बुनाई डालते हुए 5 फंदे हमने घटा दिए हैं। अब बुनाई डालते हुए पूरी सिलाई बुनेंगे। सीधी सिलाई हमारी पूरी हो गई है। अब हम उल्टी तरफ 5 फंदे घटाएंगे, 2 फंदे एक साथ उल्टे बुने, 1, 2 फंदे एक साथ उल्टे बुने, 2, 3, 4, 5 5 फंदे घटा दिए हैं। अब हम बुनाई डालते हुए सिलाई पूरी करेंगे। उल्टी सिलाई हमारी पूरी हो गई है। अब सीधी सिलाई में 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, 1 फंदा घटाएंगे, 1 फंदा इधर तरफ से घटाएंगे, 1 फंदा इधर तरफ से घटाएंगे, 2 फंदे एक साथ सीधे बुने, ऊन आगे की बुनाई डालते हुए सिलाई पूरी बुनेंगे। सीधी सिलाई पूरी हो गई है। अब उल्टी सिलाई में 1 फंदा घटाएंगे, 2 फंदे एक साथ उल्टे बुने, 1 बुनाई डालते हुए पूरी सिलाई बुनेंगे। बुनाई डालते हुए पूरी सिलाई बुनेंगे। अगली सिलाई सीधी तरफ, 2 फंदे एक साथ सीधे बुने, यहाँ पर 1 फंदा घटा दिया। इसी तरह से इधर तरफ से 1 फंदा घटाएंगे और इधर तरफ से भी 1 फंदा हर एक सिलाई में घटाते हुए लगभग 13 इंच तक ऊपर बुनेंगे। यहाँ से यहाँ तक 13 इंच लंबाई हो गई है। अब हमारा पीछे का भाग पूरा हो गया है। मुड्ढे की तिरछी घटाई यहाँ से यहाँ तक 13 इंच है और सीधी लंबाई इसकी 10 इंच है। शुरू से यहाँ तक लंबाई 28 इंच है। जैसे मैंने इस स्वेटर की नाप ली थी, इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक 28 इंच है। पीछे का भाग पूरा हो गया है। अब हम आस्तीन बताएंगे। आस्तीन में मैंने 55 फंदे डाले हैं।
बॉर्डर में 55 फंदे हैं, ऊपर 7 फंदे बढ़ाए हैं, 62 फंदे ऊपर हैं। हर छठी सिलाई पर दोनों तरफ से फंदे बढ़ाए हैं। आस्तीन की लंबाई 22 इंच है। अब हम आस्तीन में फंदे घटाएंगे। आस्तीन में 5 फंदे एक साथ घटाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। शुरू में 5 फंदे घटाएंगे। अब बुनाई डालते हुए सिलाई पूरी करेंगे। सीधी सिलाई पूरी हो गई है। अब हम उल्टी सिलाई में 5 फंदे घटाएंगे। 2 फंदे एक साथ उल्टे बुने, 1, 2, 3, 4, 5। 5 फंदे हमने घटा दिए हैं। अब बुनाई डालते हुए सिलाई पूरी करेंगे, पूरी सिलाई बुनेंगे। उल्टी सिलाई पूरी हो गई है। अब सीधी सिलाई में 1 फंदा घटाएंगे। आस्तीन में भी पीछे के भाग की तरह रेगलॉन घटाई करेंगे। 2 फंदे एक साथ सीधे बुने, पूरी सिलाई बुनाई डालते हुए पूरी करेंगे। सीधी सिलाई पूरी हो गई है। उल्टी सिलाई में 1 फंदा घटाएंगे। 2 फंदे एक साथ उल्टे बुने, ऊन पीछे की, 1, 2, 3 फंदे सीधे बुने, 4 फंदे उल्टे बुने। बुनाई डालते हुए पूरी सिलाई बुनेंगे। सिलाई उल्टी पूरी हो गई है। अब सीधी सिलाई में 2 फंदे एक साथ बुने, बुनाई डालते हुए सिलाई पूरी बुनेंगे। देखिए इसी तरह से एक एक फंदा घटाते, हर एक सिलाई में एक एक फंदा घटाते हुए ऊपर 13 इंच तक बुनेंगे। देखिए हर एक सिलाई में सीधी तरफ से उल्टी तरफ से एक एक फंदा घटाते हुए 13 इंच तक तिरछी घटाई कर ली है। देखिए मुड्ढे की घटाई 13 इंच है और सीधी लंबाई 10 इंच है। इसी तरह से दूसरी आस्तीन भी बना लेंगे। आस्तीन की लंबाई 32 इंच है। अब हम गले के फंदे
सिलाई पर करेंगे गला बनाएंगे। दो फंदे बचे हैं, दोनों सिलाई पर कर लेंगे और यहाँ पर से फंदे चढ़ाएंगे। सारे फंदे चढ़ा लेंगे। इस तरह से चढ़ाते हुए गले के यहाँ तक सारे फंदे चढ़ा लेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक फंदे चढ़ा लिए हैं, अब बीच वाले फंदे इस तरह से चढ़ाएंगे। इसी तरह से चढ़ाते हुए सारे फंदे चढ़ा लेंगे। देखिए इस तरह से फंदे उठाएंगे। गले के फंदे हमने चढ़ा लिए हैं, दो फंदे सेफ्टी पिन पर किए थे। दोनों फंदे चढ़ा लेंगे। एक फंदा सीधा बुन लेंगे और एक फंदा इस तरह से निकाल लेंगे। अब हम आगे के भाग के बाद में आस्तीन के फंदे चढ़ाएंगे। एक फंदा जो उतारा था इस सिलाई पर चढ़ाकर दो फंदे एक साथ, एक आस्तीन का फंदा, एक दो फंदे उतारे थे उनमें से एक फंदा, दोनों एक साथ बुन देंगे। दो फंदे एक साथ बुन देंगे। उसके बाद आस्तीन के सारे फंदे शुरू से मुड्ढी घटाने के बाद एक एक फंदे
18 बार घटाए थे, जैसे आगे के भाग में घटाए थे, सारे फंदे बचे हुए फंदे सीधे बुन लेंगे। आस्तीन के फंदे हमने बुन लिए हैं, एक फंदा बच गया है। अब हम पीछे का भाग के फंदे चढ़ाएंगे, एक पीछे का फंदा, एक आगे का फंदा, दोनों फंदे एक साथ सीधे बुन लेंगे। और पीछे के भाग के सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। पीछे के भाग के फंदे सीधे बुन लेंगे। पीछे के भाग के फंदे बुन लिए हैं। अब एक फंदा ऐसे उतार लिया। अब आस्तीन के फंदे बुनेंगे, एक पीछे का फंदा और एक आस्तीन का फंदा, दोनों फंदे एक साथ सीधे बुने। अब आस्तीन के फंदे बुन लेंगे। आस्तीन के सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। एक फंदा आस्तीन का बुना बुना और एक फंदा आगे के भाग का, दोनों एक साथ सीधे बुन लेंगे। एक सिलाई पूरी हो गई है। अब एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टे का बॉर्डर बनाएंगे। एक फंदा सीधा बुना, ऊन आगे की, एक फंदा उल्टा बुना, ऊन पीछे की, एक फंदा सीधा बुना, एक फंदा उल्टा बुना, एक फंदा सीधा बुना, ऊन आगे की, एक फंदा उल्टा बुना, एक फंदा सीधा बुना, ऊन आगे की, एक फंदा उल्टा बुना, ऊन पीछे की, एक फंदा सीधा बुना, ऊन आगे की, एक फंदा उल्टा बुना, ऊन पीछे की, एक फंदा सीधा बुना, ऊन आगे की, एक फंदा उल्टा बुना, ऊन पीछे की, एक फंदा सीधा बुना। इसी तरह से बुनते हुए चारों आगे का भाग आस्तीन, पीछे का भाग उसके बाद आस्तीन, चारों भाग बुनते हुए 3 इंच तक बॉर्डर बुनेंगे, उसके बाद आगे बताएंगे। देखिए गले का बॉर्डर हमने 3 इंच न बुनकर 1.5 इंच बुना है। अब हम उल्टे उल्टे फंदे सुई से ऊन पर चढ़ा लेंगे और सीधे सीधे फंदे बुनेंगे। सीधे फंदे 10 नंबर की सलाई पर ऊपर बुनेंगे। नीचे 12 नंबर की सलाई से बुना था, ऊपर डबल बॉर्डर बनाएंगे, 10 नंबर की सलाई से ऊपर बुनेंगे। उल्टे फंदे बिना बुने
सुई से धागे के ऊपर चढ़ा लेंगे और सीधे फंदे बुन लेंगे। इसी तरह से सारे फंदे सीधे बुन लेंगे, उल्टे सुई से धागे के ऊपर चढ़ा देंगे। देखिए उल्टे उल्टे फंदे सब ऊन पे चढ़ा दिए हैं और सीधे सीधे फंदे एक सिलाई बुन ली है। इसी तरह बुनते हुए 6 सिलाइयाँ बुनेंगे, 5 सिलाइयाँ और बुनेंगे। 1 सिलाई बुन ली है, 5 सिलाई और बुनेंगे सीधे सीधे फंदों की। देखिए 6 सिलाइयाँ बुननी हैं, अब सुई से फंदे बंद करेंगे। एक फंदा इस तरह से ले लिया, और एक फंदा इधर से ले लिया और इधर ऊन निकाल दी। अब इधर तरफ एक फंदा इस तरह से लेंगे सीधी तरफ और एक फंदा इस तरह से लेंगे। उल्टी तरफ एक फंदा यहाँ से लेंगे अंदर से और इधर तरफ पीछे से इस तरह से फंदा लेंगे। फिर सीधी तरफ से एक फंदा इस तरह से लेंगे और एक फंदा इस तरह से लेंगे। यहाँ पर सीधा सीधा फंदा बनता जाएगा। उल्टी तरफ एक फंदा इधर से लेंगे और एक फंदा पीछे से लेंगे। सीधी तरफ एक फंदा यहाँ से लेंगे अंदर से और एक फंदा इस तरह से लेंगे। उल्टी तरफ एक फंदा इधर से लेंगे और एक फंदा इस तरह से लेंगे। देखिए इस तरह से पैटर्न आ रहा है। इसी तरह से सारे फंदे सुई से बंद कर देंगे यहाँ तक। देखिए यहाँ तक बना लिया है, एक फंदा उल्टा वाला इस तरह से लेंगे।
और सीधा वाला फंदा इस तरह से लेंगे। उल्टा वाला फंदा एक बार इधर से लेंगे और एक बार पीछे से लेंगे। और सीधा वाला फंदा एक बार इधर से लेंगे और एक बार इधर तरफ से लेंगे। इसी तरह से सारे फंदे लेते जाएंगे। देखिए सीधे सीधे फंदे बनते जा रहे हैं। आखिरी में इस तरह से फंदा उठाकर उल्टे फंदे को पीछे से इस तरह बुन लिया। और सीधे फंदे को यहाँ से उठाकर इस तरह से सीधा निकाल लिया। उल्टे फंदे को इस तरह से सुई में लेकर पीछे से निकाल लिया। सीधे फंदे को इस तरह से लेकर इस तरह सीधा निकाल लिया। इस तरह से यहाँ पर सीधे सीधे फंदे बनते जाएंगे। फिर उल्टे फंदे को इस तरह से सुई में लेकर पीछे से इस तरह निकाल दिया। और सीधे फंदे को इस तरह से उठाकर सीधा दूसरा फंदा इस तरह से ले लिया। फिर उल्टे फंदे को इस तरह से उठाकर पीछे से ले लिया। सीधे फंदे को इस तरह से सीधा ले लिया। इस तरह सारे फंदे बंद हो गए। इधर थोड़ी सी सिलाई करते हुए इस तरह सुई को निकाल देंगे और यहाँ ऊन काट देंगे। देखिए गला बन गया है। अब हम सिलाई करेंगे। सुई में ऊन डाल ली है। अब हम सिलाई करेंगे। यहाँ से आस्तीन जोड़ेंगे। एक एक फंदे से इस तरह से सिलते जाएंगे।
फंदा इधर से उठा लिया और इधर तरफ से भी उठाकर इस तरह से सिल दिया। हम सिलाई उल्टी तरफ से कर रहे हैं। देखिए इस तरह से सिलते हुए पूरे स्वेटर की सिलाई कर देंगे। पूरी सिलाई स्वेटर की करने के बाद दिखाएंगे स्वेटर कैसे बना है, कैसा बना है।